भाई बात सच है, बोल भाई एक सच है। उस कसाई को मरे को 2 दिन हो लिए और मेरे हिसाब से तो शोक भी बतेरा हो लिया। हाँ भाई बहुत मना लिया शोक, अब कद लग झूठ के आंसू बहते जाएंगे हमें। बहन इब के करना चाह? करना क्या होता, आज रात तू भाभी की निगाह रखिए और मैं अपने वाली खाट बजाऊंगा। तुझे कद मान रहा के मजे अग जो बका लेगा, निगाह रखे तू और अपने वाली के दौरे जामा मैं। भाई अपने वाली को मैं तेरे से भी ज्यादा प्यार करूं, आज मेरा ही जाना जरूरी है। वह अपने जीजा का दुख भी मान रही, उसे स्पेशल में समझाना भी मुझे। मैं खूब जानू तू उसे कैसे समझाओगा, तू उसके दौरा जा तू ही समझाना भी समझाना कुछ नहीं सुद्धा। सब भाई अपने कटाल मान जा साकदार, मन ने आज तक उसका एक फुलाना भी लेके नहीं देखा, बन रहा साकदार साला बेईमान है। एक घंटा हो गया तेरी बकवास सुन तू साले होश में रहिए कणे। साढ़े 4 महीने 10 दिन तक पहले तो मुसलमान में वीर बनने के दौरान जाता कोई, इभी पहले उसकी तेरा मी होने दे जिब उनकी खाट कूट पर जाने की सोचे जागी। ठीक है इभी तो आया गधा भी टोड़े के नीचे, हम भी पागल ही है यार बस, हमें तो सारे गांव की पुंगी बजानी और हम आपस में लड़न लगे दोनों भाई। हाँ यार मारिया ठीक बात नहीं। ओए तुम यहाँ क्यों बैठे? क्या कर रहे हैं यहाँ? और बाबा कहाँ है? मुझे बबू चाटने दे। अरे कहाँ गए? नहीं मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था रे दोनों पे, तुम इस गांव के सब निकम में आवारा हो, तुम तो तत्ते तवे पे पिछोंडा भी धरो तो जिब भी थारा यकीन नहीं किया जा सकता। प्रधान जी तुम मारे यकीन करो, हम निकम में आवारा बेशक है पर झूठे नहीं। जे मारी माँ जीवक रहती तो नू के अग रहती, अब बेटे चोरी कर लियो पर झूठ ना बोलियो। हाँ जी इक्षटे कदे भी झूठ नहीं बोलता जी, बिंदर हमने बिल्कुल सैंत रूप में देखा और बात भी करी उसने। अच्छा उसने तारा हालचाल भी पूछा होगा, रह जाओ क्यों तुमने सारे गांव को चक्कर दे रखा, सारे गांव का इंतजाम बना रखा तुमने। ना घूमते भाई मास्टर जी, हमने उस कलेऊ मेरा मतलब बिंदर को सैंत रूप में देखा, इब हम कुक कर यकीन दुआवे अब हम झूठ नहीं बोल रहे। रखेल करो ना भाई। अरे कहाँ गए सारे? पता नहीं कहाँ चले गए दूसरे सारे के सारे, देख तो ही भाग जाओ। भाई बासठ इब तो यकीन आ गया प्रधान जी। अरे मरोड़े का दर्द तो मरोड़ा लगे पे समझ में आवे, क्यों प्रधान जी है ना बिंदर का ही भूत। के बोलू भाई मेरा तो वो हो रहा, के कह रहे बुखार हो रहा भाई। मास्टर जी बतावे ने, मास्टर जी भाई मैं तो ड्यूटी पे जाना। प्रधान जी तुम नु बताओ सोनू बबली और सरला बापी का की होगा, वो घर की डबकू गया अब जा। भाई मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, बहुत जोर का जड्डा लगन लग रहा भाई मुझे तो, जीनू करे अकोठे में बढ़ के क्वाड़ भेड़ के सो डोड़ के सो जाऊं। नू क्यों नहीं कहते, अब भूत देख के मूत लिगड़न को हो रहा। भाइयों यह पता सारे गांव के लिए ही है,
सब अपने अपने घर ते लाठी बाले ठालो के बताओ डर की मारी उल्टा ही भाग जा। सही कह रहा है इकसठ। चलो भाई चलो, वार ना करो। चलो भाई चलो। मामला की है, समझ में नहीं आता। पूरा गांव ही क्यों दुश्मन हो रहा मेरे तो सब इस ढाल डरा है जैसा कि मैं भूत हूँ। एक सुसरा बाबा का भी नहीं पता। मुझे बबूत चाट के सरला के दौरे भी जाना था। देखूँ आज रात को जमा करूँ, फिर ही कुछ पता लगेगा। अख हो के रहा सारी टोड़ी में हम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे तो और भी ज्यादा हो गए, क्यों हम उसके घर ही रहने लगे। हम उनकी दोनों साड़ियां ने अपने रखते ना हो, फिर भी वो बिंदर भूतनू समझेगा कि मारे उनके नैन लड़ रहे हैं। वरदान जी वो देर सवेर घर जरूर आओगा, तुम सब मिलके पहले हमारा इंतजाम करवाओ। वरदान जी तुम बोलते क्यों नहीं। भाई डॉक्टर ने मेरी तबीयत घड़ी खराब बताई और नू बताया अक मैं जो दो एक महीने कहीं पहाड़ों में रहा हूँ तो ठीक हो जाऊंगा। जी मैं तो नहीं बताया। प्रधान जी गांव छोड़ के भागने के बहाने ना ढूंढो, जय तम उसे मारने हुए तो चाहे कहीं जा लियो, वो वहीं आ लेगा, समझे। छोड़ के नू बताओ इब मारा के इंतजाम होगा। यार तुम्हें तो अपने इंतजाम की पड़ रही, मुझे अपना इंतजाम नहीं पा रहा। प्रधान जी उस घर में तो ही मार कर रहा नहीं जाओ, तुम एक काम करो थारी बराबर में जो भूलन का घर पड़ा उसमें हमारा इंतजाम करवा दो, क्योंकि वो जिब भी गांव में आओगा सबसे पहले अपने घर आओगा, और जो हम उसे उसके घर मिल गए तो हमारी नाड़ का एक मिनट में मनसा तोड़ देगा। ठीक है भाई तुम वहां रह लो। प्रधान जी इनका इंतजाम तो तुमने कर दिया, पर इस गांव का क्या होएगा जिसने थारी वोट देके तुम प्रधान बनवाए। इस प्रधानी के चक्कर में इबुआ भूत सबसे बड़ा दुश्मन मजे मानेगा अपना। नूरी बा प्रधान जी अब टाइम पे चपरण नहीं देने गए। गांव की रक्षा प्रधान के हाथ में होकर इब सोड़े हो गए, नू बताओ क्या करोगे। भाई ऐसा करो गांव में पहरा लगवाने लगो, और क्या होगा। ठीक है प्रधान जी। ए सुनो भाइयो गांव में पहरा लगा करेगा। और नू बताओ आज रात को कौन कौन बहादुर पहरा देगा। भाई मुझे तो ड्यूटी पे जाना। मैं भी चलो भाई, मेरा भी जमात का टाइम हो गया। भाई बावड़े नहीं मना करते, भूतों के भी पहरे लगते होंगे के कहीं। ऐसा करो एक जाकर सो जाओ, परसों को पंचायत फेर करेंगे। ठीक है प्रधान जी। चलो भाई बात सर कुकर होगा भाई। मेरी तो एक समझ में आवे, आज दिन साय ढलते ही इस गांव में थे हमेशा के लिए भाग लें तो जान बचे। अरे एक तो हो पूंछ और एक हो बावड़ी पूंछ,
वह बावड़ी पूछ तू है बहन बासठ। तुनु सोच भुत्तु का के टिकट लगे आने जान का। हम जहाँ भी जाएंगे वो फुप्पा पहले पहुँच लेगा। फिर भाभी और सारी धरती नुई छोड़ कैसे चले जाएंगे? क्यों भाभी? मैं क्या बताऊँ देवा, मेरे तो नू भी समझ में नहीं आती। अकी ब्लॉक तो उसकी तेरा में मिल गई, अब तुम्हारे भाई की आत्मा को कर तड़पती आने। अरे इब उस फुप्पा की तेरा अम्मी की भी कसर रहेगी क्या? उसने उई इस गांव की नाक में दम कर रखा। तेरा अम्मी होती हुई तो और पता नहीं क्या क्या करेगा। मुझे तो नू दिखे इब इस टोली गांव में ते 5-7 आदमी जरूर मरेंगे। भाई बासठ रात को मैं तो तेरी खाट पे सोमा तेरे दौरे। ऐसा कर लो, दो छोड़ एक ही जगह सीम लो और सारे रात को एक ही जगह उस बड़े वाली छोड़ में सोया करेंगे। देवर और मेरी जवान भाण भी। अरे तुझे जवान भाण की पड़ रही, यहाँ तो जान बचाने के लाते पड़ रहे। कहीं ना घुंगरू लग रहे जो हमारे दुरे सोने तक टूट जाएंगे। ठीक है देवर, एक ही जगह सो जाया करेंगे। चलो छोड़ सीम लो। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, प्रधान जी, ओ प्रधान जी। अरे कौन है भाई? जी कोई नहीं, मैं हूँ बिंदर। भाई मन ने थारा के बिगाड़ा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? प्रधान जी मेरी बात तो सुनो, एक बार किवाड़ तो खोलो। भाई साहब मन्ने थारा के बिगाड़ा, मारी बराबर में सतपाल है, उसे अपना शिकार बना लो। मैं आ जोड़ू इब के मावस को, पंडित को बुला के थारे पांच लत्ते पूरे कर दूंगा। बर्दन चले जाओ। अजी मेरी बात तो सुनो प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी मेरी बात तो सुनो। प्रधान जी अच्छा गंगा स्नान कर गए, घर गया उन ससुरी तीनों का नहीं पता कहाँ चली गई। 61-62 पता नहीं ससुरे कहाँ मर गए, पता नहीं क्या हो रहा। ससुरा पूरे गांव में मुझे देखते करफ्यूजा लग जा, फिर तो वार होगी, खेत में जाकर सोना पड़ेगा। कल को मौलवी थे या सांझ को आके बुझूंगा क्या बात है। एक बात है यार, इस भूत का नुकसान तो है ही पर फायदा ही बहुत है। वो क्यों कर? अरे बावड़े, चाहे तो हमें एक नहीं मिले थी, अब चाहे ही हमें तीन तीन का बिचारा एक ही शोर में बढ़ के सोए, मजा भी बहुत आवे। सारा तुम दोनों यहाँ पड़े ना सो के ना सो। क्या बात होगी बोलवी साहब? अरे हमारे ससुर प्रधान जी हार्ट अटैक हो गए मर गए। रे ढागी तू होश में तो है, के बक रहा था इनकी तरफ तू? भाई नु सुना, रात प्रधान जी के दौरे है ना, बिंदर की आत्मा आई थी और उसने प्रधान जी का मड़िया का तोड़ा, वो तो मरा हुआ भी खाट के तले से काटा। अरे नाश के चुप हो जा, क्यों बीरबानियों के डालो जान सी दे रहा। एक सटे मैं पहले कहूँ था, इसका पते 5-7 आदमी भी जरूर मरेंगे। भैया तावड़ी चलो, दिखे प्रधान जी का अंतिम संस्कार भी करना है। तावड़ी चलो, चलो तावड़ी चलो, तावड़ी चलो भैया। Ha ha ha!
पानी गरम कर लेते। अरे सब तेज डाल के थोड़ी है, अब ठंडे पानी में नहाओ ना। प्रधान जी तो रोज ठंडे पानी में नहाया करते, और आज तो भी ठंड लगने की ना। बैठे ना, बिल्कुल ही जी छोड़ रहा। तब बोरे अर्थी मजबूत सी बांधिए, लाश में बोझ बहुत है। इतनी मजबूत बनाई, चाहे तुम भी लौट जाइयो फिर भी ना टूटे। बहुत बढ़िया प्रधान था भाई। हाँ तेरा उस पे जीमर वाले पिटोड़े पर कब्जा इन्ने करवाया दिखेदा। हो गया भाई। भाई बहुत बहादुर प्रधान था, मेरे वे दिन अब तक याद है। एक बार जयपाल की भैंस ने लवारा फेंक दिया था, 2 मिनट में उल्टा ठूस दिया, ऐसा प्रधान कहाँ मिलेगा। भाई तावड़ी बांध, ड्यूटी पे जाना। अरे तऊ तावड़ कर लो, बैठे बैठे बात ना करो। ताऊ बोरे तावड़ कर ले, फिर मना जंगल उड़ भी जाना है। हाँ तावड़ चलो भाई, मजे भी हरा ठाकर लेना है। यार सुसरे में बहुत बोझ है, इसने तो मेरा कंधा छोड़ कर धर दिया। यार तो तेरे बोझ की पड़ रही, मेरे तो पेट में मरोड़ा सा मार लाग रहा, मर गया रे यार। अरे चुहानो में जाकर होलिए, थोड़ी सी दूर की तो बात रह गई। अरे बात तो रहेगी यार, एक तो यो जाडा अरे एक यो तड़के तड़के खागर ढोना पड़ गया, ऐसी तैसी होगी यार। राम नाम राम नाम सत्य है। अरे घबरावे ना, मैं जाके जंगल होंगे, अरे इस फुप्पा की चिता पे हाथ सेकेंगे। हाँ तावड़ी चल यार। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। बस हटे, मुझे कुछ बहम सा लगे, लगता जब भी कुछ सुनाई सदे। सुनाई सुनाई नी, मने तो नू दिखे एक में कि में गणा है बड़ा बबाल है। बबाल नी साले, मैं तो नू कहूं तू जरूर बिंदर का ही भूत है। जो साले जान बचानी हो तो भाग, बजट बैठ के भाग। तब बोरे तो सुसरा कोई पागल दिखे है। हाँ एक सेट लगे तो ऐसे ही है, इसलिए सुसरे ने खामा खटरा दिए। चलो आओ श्रीमान मेहरबान कदरदान जापना, हमारी हुकूमत में आपका स्वागत है। ओए कौन है तू? वैसे नाम तो हमारा वीरप्पन है, कहिए अपनी सल्तनत किसान शौकत में हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? राम के बच्चे, खिदमत तो हम करेंगे तेरी, डर की मारी तल्ले मारा पिशाब, मेरा मतलब इन तवर का पिशाब भी कटवा जा। 1 × 2 × 2 × 4 × 3 × 6 गीत गाता चल त्योड़ी, गीत गाता चल सुन साहबा सुन, जोड़ते की धुन सुन साहबा सुन, जोड़ते की धुन। अरे मारो ना साले इसका। अरे तो पागल दिखा सुसरा ठावर थी। चलो चलो उठाओ आरती। आओ भाई आओ, चलो भाई आओ, चलो उठाओ उठाओ, निकल जाओ। राम नाम।
राम नाम राम नाम राम नाम अरे प्रभु ले ना पांच दिन थल लग रहा मेरे यार। तो बता भाई जयपाल इब के होना चाह। भाई मैं के बताऊं मौलवी साहब तो बुझो इब तो मारे में यही जिम्मेदार से हैं। देखो लंबरदारो बात यह है कि मुझे कल ही जमात में जाना। हाँ अरे इब तुनु भी के ये अग मैं तो दो तीन साल लग जगी। रहन दे मुल्ला जी गडंग पेलन को रहन दे। मुझे सच्चो ही यहाँ तक 4 महीने 10 दिन के लिए बहुत दूर जमात में जाना। नू क्यों नहीं कहता बिंदर के भूत ते डर के इस गांव में ते भागना चाहूं। जिब तो तन्ने सारे गांव में रुका गेर रखा था अक मैं बड़े बड़े भूतों को मिंट में भगा दू। भगाने ये भगा। अरे भाई आखिर तुम सब लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते। तब बोरे इसे जमात वो मात में कहीं नहीं जाना। चपर ना सोच रहा हूं साले हम तो जा कई साल तक देख रहे तग्गे तबिज्जो के चक्कर में तन्ने गांव की एक भी लुगाई सही नहीं छोड़ दी। छोड़ा ओले छोड़ा। ओए तेली के होश में आ जा होश में। इब हकीकत में भूत आया तो बात घट रहा। पहले इस भूत से छुटकारा दुआ जीवित जा गांव से बाहर जान देंगे। देख भाई भोरे बात गल तेली का मत कर ना तो ऐसा तबीज बना दूंगा पूरे गांव में तेली पैदा होंगे तेली। नहीं बे मौलवी भूत तो सजा भगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी मैं कोशिश करूंगा। नहीं बे मौलवी भूत तो सजा भगाना ही पड़ेगा। बोरे एक बात तो बताओ तड़के गांव में सालाना दंगल होने का भी तो दिन है इब क्या उसका कुकर होगा। अरे यहाँ तो ही दंगल सा हो रहा और कैसा दंगल होगा रे। सही कह बीजे गांव में दंगल तो होना ही चाह। नहीं भाई बोरे यू हमारी गांव की इज्जत का सवाल है। जो दंगल नहीं हुआ तो या पूर्वजों की जो मुद्दत तक चलाई हुई रीत है या टूट जगी और जो या रीत टूट गई तो इब तो बिंदर बिंदर की आत्मा खड़ उतारी फिर उन सारे पूर्वजों की आत्मा भूत बनकर इस गांव का बन्यास ठा देंगी। हाँ यह बात भी ठीक है भाइयों चाहे नेक सही करना पड़ियो पर कल गांव में दंगल जरूर होगा। कहो मंजूर है सबे। मंजूर है मंजूर है मंजूर है। ठीक है चलो भाई ठीक है ठीक है चलो। कपिल यू पहलवान टोडी मनीष भाई मास्टर जी कैसे करे घंटा हो गया नहीं भिड़ातू भिड़ातू ना कोई सा हारता ना कोई सा जीतता। अरे हार जीतता के है इनकी कोश्ती कौन देख रहा। अच्छा ये तो रोज भिड़े उन्हें भिड़ाओ ना एक सट बाट को भाई तुम दोनों जीत गए। ए भाई दोनों जीत गए। अरे अपने साहब दोनों को जीता दो भाई दोनों जीत गए। भाईयो यो पहलवान है नारनौंद का हरियाणा का बाजट कुमार। ए भाईयो ये पहलवान है 61 मलिक टोली वाला। अरे तू के बता रहा कौन नहीं जानता इन लफंगू को तू कुश्ती करवा। भाइयों सुनो बिना डांस करे मैं कुश्ती नहीं लड़ा करता। बिना डांस करे अपना मैं दोष अंधा है नहीं। अरे रेफरी साहब अरे तू इन पर डांस करवा दे पर कुश्ती तो करवा। जब डांस करने को कह रहे करवा एक डांस छोटा सा। चल भाई शाबाश
घोड़ा पछाड़ मार, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ मार, बेटे सजे, मर क्या के, बेटे सजे, वाह बेटे, मर, अरे तू रैपरी बकेला, इसके, घोड़ा पछाड़, अरे सुना तो, अरे रुका तो, मौलवी जी, ओ मौलवी जी, रे सुने के रे तेलिया की वाड़ खोल लग नहीं, तेरा टाइम ही होना रो दिखे ए खुदा, आज बचा ले बस, आज आज जान बचा ले या अल्लाह ले साले ना खोल ले, इल तो जाऊं पर तैं मान दे देखूं तुझे भी भाई बासठ सारी जवानी नहीं जान लग रही, कोई ऐसा भी नहीं जो हमारे ब्याह के बारे में ही सोच ले। भाई एक सेट है, जब मैं भाभी की जगह होता तो मैं कदे का इस सोनू और बबली का ब्याह तारी के लिए करवा देती, मेरा मतलब करवा देता। ठीक कह रहा भाई, पर नु हो तो नहीं सकता, यह तो खुद भाभी के सोचने की बात है। क्यों भाभी के देवर? भाभी तेरा ध्यान कहाँ है, तने मारा कुछ ख्याल है कि ना? देवर ख्याल के, मुझे तो थारे भाई की तड़पती आत्मा की चिंता अट्ठू पैर रहे, पता उसकी तेरा में तो हुई नहीं थी, मुझे तो नू लगे उसकी बरसोड़ी भी ना होती दिखे। फूक दे सुसरे को चुल्ले में, गांव का नाश हो जा, हम घर ते बेघर हो लिए, पर तेरा मोता उस हराम के बच्चे में था, ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं होया। हम अपने घर बसान की बात कर रहे, अब तू उस जीत के बीच को याद कर रही। मारे एक बात समझ में नहीं आती, जवान हमनी, सोने हमनी, के गुन्नी मार में बस ठावे और उसके गीत गान लग जाए। किसने ठीक कहा, जाट को मरा जिम मानिए जिम हो जाए उसकी बरसोड्डी, सुसरे को मरु कई दिन हो लिए, पर जो मरा पंडा छोड़ने को तैयार हो सड़ा भाडू। देवर तुम तो घने ही छो में आ रहे, आखिर बात तो बताओ के है? बात के होती साफ कहना सुखी रहना, तू साफ साफ नु बता अकिन अपनी भाणु का ब्याह मारी गल करवावा नहीं? हमें कई महीने हो लिए बिना लाइसेंस से गाड़ी चला, तू किसी दिन चलान हो गया नी, फेरे मारने के तू? देवर में थारा मतलब नहीं समझी। मतलब यू अक तेरी दोनों बाण मारी चिल्ली है। तुम तो देवर बहुत आस्तीन के सांप लिगड़े, मुझे बता भी नहीं। इब तो पता चल गया, इब बता दे इनका मारी गल ब्याह करवाना कि नहीं? जब तुमने इनकी गैल सारा काम नुई कर लिया तो इब ब्याह की जरूरत ही के रहेगी? तेरा मतलब तेरी और तब पूरी हरी झंडी है। बासठ यह ट्रेजी मेरी समझ में नहीं आ रही। भाई समझन को ही बीच में रही के गया, उस जकोई में करंट था ही नहीं, तो ऐसे में भाभी की मदद पिछले 4 साल तक मैं करता आ रहा, तुझे कोई दिक्कत हो तो बता। दिक्कत तो नहीं यार, पर मजे तो तू किस बात का है कि पिछले 4 साल तक यही मदद मैं भी भाभी करता रहा, पर भाभी ने मजे बात कभी नहीं बताई। जी तू तो बहुत गिरी हुई लग रही। मजे तो ऐसा लग रहा जैसे हम किसी एड्स के अस्पताल में भर्ती हो रहे हो। यह बात नहीं दे, तुम देर ना मानो, मैं बिंदर को याद करने पड़ो इब कभी भी नहीं करने की। ये तो हमें पहले ही पता था कि तू कैसी पति वरता है। हाँ बा सो इब तो तड़के बका तुट के गुरु जी को भी ढूंढना, पता नहीं मम्मा कई दिन हो लिए ससुरा कहाँ धक्के खाता हंडे। गुड नाइट, गुड नाइट।